हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपनी दोनों बहुओं के रोज के झगड़ों से काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि सरला की दोनों बहुएं रोज काम को लेकर झगड़ा करती और दोनों खासकर किचन के कामों को लेकर जरूर झगड़ती। एक रोज सरला अपनी बहू से चाय मांगती है तो रीना ये सुनकर पेट पर हाथ रखकर अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी अगर मैं चाय बनाने गई ना तो मेरा तो हाल बुरा ही हो जाएगा, मुझे नहीं जाना। राम राम राम, इन औरतों ने तो लाज शर्म बेच खाई है। माँ जी मुझे भी अभी खाना बनाना है, आप रीना को क्यों नहीं कहते? तुम दोनों को तो मैंने चाय बनाने के लिए बेकार में ही कह दिया, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अब सरला खुद से किचन में चाय बनाने जाती है तो वो चाय का पानी चढ़ाने के बाद जब चाय की पत्ती ढूंढती है तो चाय पत्ती उसे कहीं नहीं मिलती। अब सरला गैस बंद करके किचन से बाहर निकल ही रही होती है तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला आते ही सरला से कहती है, और बता सरला किचन में क्या कर रही है दो दो बहुओं के होते हुए भी? चाय बनाने गई थी लेकिन चाय की पत्ती ही नहीं है, दोनों ने अपने अपने अलमारी में छुपा रखी होगी। मैं तो इन दोनों के रोज रोज झमेलों से तंग आ चुकी हूँ सच में। क्या बात कर रही है तू सरला, चल मेरे घर तुझे अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। अब सरला भी विमला के घर अदरक वाली चाय पीने चल पड़ती है। अब जब देर शाम सरला अपने घर आती है तो सरला अपनी बहू रीना से कहती है, बहू खाना क्या बना रही है रात का, मेरे लिए कुछ हल्का बना देना। माँ जी खाना तो दीदी ने बना लिया है और आपके लिए तो उन्होंने कुछ बनाया भी नहीं। क्यों नहीं बनाया, मैं कौन सा मायके गई थी अपने? अरे माँ जी वो दीदी ने मुझे कहा कि आज माँ जी विमला आंटी के घर चाय पीने गई है तो खाना भी वहीं खाए, यहाँ खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बहू, मैं अब सुबह ही फैसला करती हूँ तुम दोनों का, मेरे ही घर में मुझे ही खाना ना देने वाली वो होती कौन है। अब सुबह जब कंचन उठती है तो देखती है कि किचन दो भागों में बटा हुआ है। ये देखकर वो हॉल में बैठी अपनी सास से कंचन कहती है, माँ जी किचन की ऐसी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है किचन को बांट दिया गया है, और तो और किचन का आधा सामान भी नहीं है। बहू तू देख ले, किचन में जो भी है वो अब से तेरा है और स्टोर रूम में जो भी सामान रखा है किचन का वो रीना का है। माँ जी आप कहना क्या चाहती हैं, कि आपने किचन का बंटवारा कर दिया? कहना नहीं चाहती, वो आपको समझा रही है और आप हैं कि समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन क्यों माँ जी आपने ऐसा क्यों किया, अभी तो उनकी सैलरी भी काफी समय से नहीं आई है। वो तू देख ले बहू, क्योंकि तुम दोनों का रोज रोज लड़ना झगड़ना और मुझे खाना ना देना तुम दोनों की सारी परेशानियां हो गई दूर। अब कंचन रसोई में आती है तो वो देखती है कि डब्बे में आटा खत्म हो चुका है, चाय के लिए चीनी नहीं है और वही पीने के लिए ठंडा पानी कैसे होगा, फ्रिज भी उसकी देवरानी रीना के हिस्से में था। अब ये देखकर कंचन अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और इधर रीना खाना बनाते हुए स्टोर रूम में अपनी माँ को फोन पर बताते हुए कहती है, माँ कैसी हो आप, माँ जी ने आज मेरी और दीदी की रसोई अलग कर दी और माँ जी भी मेरे साथ ही हैं, अब क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि माँ भगवान का रूप होती है, तो माँ जी को अपने साथ रख ही लिया मैंने। अब कुछ ही समय बाद कंचन का पति अमन किचन में आकर कंचन से कहता है, अरे जल्दी से खाना पैक कर दो, कितनी बार कहा है तुमसे कि समय पर काम कर लिया करो, मेरी चाय कहाँ है? और जी आटा नहीं है और चाय बनाने के लिए चीनी भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, आज से पहले तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और मैंने तो अभी देखा है माँ को चाय पीते हुए, उन्हें कहाँ से मिली चाय? वो जी माँ जी ने रसोई अलग कर दी है मेरी और रीना की। जरूर तुमने ही माँ को परेशान किया होगा, अब भुगतो। अच्छा एक ठंडी बोतल पानी की ही दे दो मुझे एटलीस्ट। जी फ्रिज भी उनके हिस्से में आया है, अब हमें ठंडा पानी भी नसीब नहीं होगा। अब अमन भी गुस्से में ऑफिस चला जाता है और इधर रीना खाना बनाते हुए अपनी जेठानी को सुनाते हुए खुद से कहती है, क्या बात है आज तो पनीर और पूरी बहुत ही टेस्टी बने हैं, लग तो ऐसा रहा है बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। अब सरला और रीना तो खाना खा लेते हैं लेकिन कंचन तो कुछ बनाती ही नहीं और उसे दोपहर के समय भूख लग रही होती है। अब जब वो किचन में ठंडा पानी लानी जाती है तो उसे याद आता है कि फ्रिज रीना के हिस्से में है।
अब कंचन रीना के कमरे में जाती है और रीना से कहती है, रीना एक बोतल पानी मिलेगा, मुझे बहुत प्यास लगी है और गर्म पानी पिया नहीं जा रहा। दीदी जी आप गलत समय पर आई हो, वो क्या है ना, अभी अभी मैंने आखिरी बोतल पानी की पी ली, अब भर के रखूंगी। अब देर शाम अमन घर आता है तो वो अपनी माँ से बात करता है और उसके बाद अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी कंचन से कहता है, अच्छा मेरे लिए सुबह खाना मत बनाना, मैं माँ के इधर खा लूंगा और वैसे भी अभी मैंने वो क्या बोलते बिरयानी खाई है। जी क्या कहा आपने, खाना खाकर आए हैं तो आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे यार तुम चुप रहो, मुझे आराम करने दो। तुमने जिस दिन माँ को खाना नहीं दिया था तब तुम्हारे अंदर ये विचार नहीं आया कि माँ कैसे भूखी सोई होगी। मैंने माँ जी का खाना इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि घर में चाय चीनी पत्ती होते हुए विमला आंटी के घर चाय पीने गई थी। अब कंचन को अपने किए का पछतावा तो होता है लेकिन कंचन बिना कुछ खाए पिए सो जाती है और अब अगली सुबह कंचन उठकर अपने लिए बिना चीनी वाली चाय बनाती है और वो देखती है कि उसका पति भी अपनी माँ और देवरानी के साथ खुश है और ये देखकर कंचन को और भी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन कंचन कर भी क्या सकती थी, अब कंचन को दिक्कत तो हो रही थी लेकिन इस बार सरला रीना को भी खुद से अलग कर देती है और रीना अपनी सास को मनाने के लिए अपनी सास के पैरों में बैठी हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैंने तो माँ को बस ये कहा था कि माँ जी को मैंने अपने साइड उनकी पेंशन की वजह से किया है, मेरे मुंह से निकल गई माँ जी, मुझे माफ कर दो। अरे पैर छोड़ मेरा, तुझे भी अब मैं खुद से अलग कर रही हूँ, तभी तो तुझे पता चलेगा कि आखिर कंचन को कैसे सबक मिल रहा है। अब सरला भी अपना सामान रीना से ले लेती है और रीना के पास नाम के दो चार बर्तन और कुछ सामान रह जाता है। अब ये देखकर रीना अपनी जेठानी कंचन के पास जाती है और कंचन से रोते हुए कहती है, दीदी मेरी एक गलती की वजह से माँ जी ने मुझे अपने हिस्से से निकाल फेंका है, अब आपका ही सहारा है, उनकी तो सैलरी भी इतनी नहीं है, कहाँ से घर चलाऊंगी दीदी मैं। अरे तू रो क्यों रही है, मैं तो कल से ही भूखी हूँ और अब तेरा पेट कैसे भरूं। दीदी चलो ना माँ जी को मनाते हैं वरना हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। वैसे तूने ऐसा किया क्या जो माँ जी ने तुझे निकाल फेंका। अरे दीदी वो बड़ी लंबी कहानी है, कभी और बताऊंगी, अभी तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। चलकर माँ जी को मनाते हैं वरना सच में भूखे मर जाएंगे। अब रीना और कंचन अपनी सास के पास जाते हैं और सरला अपनी दोनों बहुओं का सूखा हुआ चेहरा देखकर कहती है, अकल ठिकाने आ गई या अब भी अपनी सास का खाना बंद करना है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। माँ जी ना ना, मैं तो आपके बारे में अब से कुछ कहूँगी ही नहीं किसी को। ठीक है ठीक है, जा और जाकर किचन में खाना रखा है, खा लो दोनों। इस तरह अब सरला की दोनों बहुओं की रसोई का हुआ बंटवारा खत्म हो जाता है और सब वापस मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।